एम से वोट नहीं देंगे, पूरे दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान नहीं देना, और तुम दे दो तुम्हारे बच्चे मर जाए जो एटीएम से वोट दे उसको। ब्लैक मान लीजिए आपकी वीडियो मोदी जी देख रहे हैं तो क्या कहना चाहती है उनसे? मोदी जी वीडियो आपकी देख रहे हैं तो क्या कहना चाहती है? क्या वो फांसी का फंदा लगाएगा जो सच बोलेगा उसको? एडी डालेगा वो। आपको लगता है वो की ऑटो की चोरी होती है एबीएम से? एबीएम से चोरी होती है पूरी, पता पर्ची क्यों नहीं लेता जिसको वोट दिया इसको? इसकी पर्ची चाहिए, पर्ची किसको? मोदी बैलेट पेपर चुनाव ना कराएं, एबीएम से भी कराएं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या करेंगे आप? हम वोट ही देने नहीं जाएंगे। वोट नहीं देने जाएंगे? वोट ही नहीं दिया जाएगा, हम तो हमारी पर्ची का सबूत मांगेंगे। आपके नजर में हमारा देश क्या चीज है? आज मेरा देश कबाड़ा है, कबाड़ा एकदम कबाड़ा, भूखे कबाड़ा है। दोस्तों इस वक्त अपने देश के राजधानी दिल्ली में हमें और देख सकते हैं कि एबीएम हटाओ देश बचाओ का तमाम धरना यहाँ पे चल रही है और इतना बवाल मचा है देश से लेकर तहां तहां तक। आंटी जी थोड़े वोट एबीएम से देंगे या बैलेट पेपर? हम एबीएम से वोट नहीं देंगे, पूरे दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान नहीं देना, और तुम दे दो तुम्हारे बच्चे मर जाए जो एटीएम से वोट दे उसको। ब्लैक पेपर से वोट चाहिए, ब्लैक पेपर से। आपको लगता है वो की ऑटो की चोरी होती है एबीएम से? एबीएम से चोरी होती है पूरी, पता पर्ची क्यों नहीं लेता जिसको वोट दिया इसको? इसकी पर्ची चाहिए, पर्ची किसको? बेवकूफ बन रहा है जनता को, 140 करोड़ जनता को। जनता बेवकूफ क्यों बन रही है? 140 करोड़ जनता नहीं, 150 करोड़ जनता है। आधी तो सर मोदी ने 2024 में 2014 के अंदर 125 करोड़ बोला था, उस टाइम पे 125 करोड़ नहीं थी, उस टाइम पे 140 करोड़ जनता थी, 15 करोड़ की चोरी करी वोट की मोदी ने। तो क्या आपको आपको देश के प्रधानमंत्री चोर लगते हैं? देश के प्रधानमंत्री चोर लगते हैं? किसने प्रधानमंत्री बनाया? किसने बनाया? जनता ने बनाया। जनता ने बनाया, कौन बनाया? किसने बना? बेवकूफ बना के बना। 15 लाख रुपए दूंगा तुमको गरीबों को, किसको दिया 15 लाख रुपए? किसको दिया? रोटी कपड़ा मकान दूंगा। अरे हो सकता है आगे दे। क्या दे, क्या दे, कौन देगा? कौन सा पर विश्वास करे? हम एक भी नेता के ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं करे। सारे चोर फ्रॉड है, सारे मामाली चोर फ्रॉड है। किसी को सच बोले उसके ऊपर एडी डाले, किसी को पुलिस पीछे करे, किसी को एमसीडी पीछे करे। सच बोले उसको, उसके ऊपर झूठा झूठा केस बनावे। वो संजय कुमार के ऊपर झूठा केस बना, वो मनीष सिसोदिया के ऊपर झूठा झूठा केस बना, क्यों बनाया? वो शिक्षा है पता? अरे ईडी ने जांच किया तभी लोग पाए गए दोषी, तभी तो जेल में गए हैं। मोदी शिक्षा है, कितना शिक्षा है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ मोदी, शिक्षा लेकर प्राइवेट में पढ़ा, ठीक है ना? सरकारी स्कूल पढ़े चाहे जहाँ पढ़े, आज देश चला रहे हैं ना? सरकारी स्कूल में क्या है? जीरो है, जीरो। सरकारी पढ़े का मार्ग नहीं है कोई, जीरो है। डिग्री नहीं है? डिग्री ना है, आउट सिटी है सरकारी पढ़ाई, इसमें इंग्लिश मीडियम। मान लीजिए आपकी वीडियो मोदी जी देख रहे हैं तो क्या कहना चाहती है उनसे? मोदी जी वीडियो आपकी देख रहे हैं तो क्या कहना चाहती है? क्या वो फांसी का फंदा लगाएगा जो सच बोलेगे उसको? एडी डालेगा वो, पीछे पुलिस लगवा देगा, गोली मरवा देगा, और क्या करेगा? सच बोलने के लिए मेरा पहला मेरा गुजरात चमन चाहिए, सोने की चिड़िया जैसा। आपको गुजरात सोने चिड़िया नहीं लग रहा है? कुछ भी ना, कबाड़ा कर दिया मोदी ने, कबाड़ा। एक उमड़ा पुल नहीं बनाया उसने गुजरात के अंदर कालूपुर का, सारी अपने अपने ही राज्य में पैदा हुए, तो क्या आपको लगता है अपने राज्य कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ ना कर रहे हुए रात में दारू घर घर बिक रहे हैं, मेरा जाके मरीज देख ले, दारू तो बंद है वहाँ पे, क्या शाहपुर देख ले, आज को देख ले, उसका सीएम है ना, उसका क्या कहते हैं जो पुलिस का कमीशन, 1 लाख रुपए एक दुकान का हफ्ता खड़ा, और घर घर में दारू का अड्डा बना रखा, केमिकल का दारू ठेली वाला। आज मेरे जनता को पता है कि दारू वहाँ बंद है, कौन कह रहा? जनता कह रही, जनता पागल है। चल मैं दिखा दूँ, चल मैं दिखा दूँ दारू का अड्डा, कितना मोदी को देख रहा है, मोदी के सीएम को कितना दिख रहा, मैं दिखा दूं। लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल भी जेल जाने वाले हैं। केजरीवाल रोज पेपर में न्यूज में आ रहा है कि रोज ईडी उनके घर जा रही है। सच्चा काम करे ना उसके ऊपर तो मोदी ईडी डालता है। जो मोदी के अंदर जितना भ्रष्टाचार है ना, चोर मवाली सारे मोदी में, और बीजेपी में सारे, बोलो सारे भ्रष्टाचार मवाली उसमें है, तो बाहर कौन है? बाहर कौन है? जनता है, जनता को बेवकूफ बनाने वाला ये बीजेपी वाले। तो मोदी के अलावा प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती है? मोदी के अलावा प्रधानमंत्री किसको देखना? अलावा प्रधानमंत्री जो चुना के आए, विपक्ष तो मजबूत नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है विपक्ष मजबूत है? विपक्ष मजबूत है, विपक्ष बेवकूफ बना जा रहा है एटीएम से। कौन कहता है बेवकूफ? उसने 70 साल राज चला उसके बाप दादा ने, आज मोदी ने 10 साल में चला को उसने पक्का बना दिया। क्या बना दिया? राम मंदिर का मुद्दा बता रहा, जो कश्मीर का मुद्दा बता रहा, क्या बता रहा? और क्या कर रहा?
रोटी कपड़ा मकान। कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर, कुछ लोग कहते हैं राम राज आ गया, राम मंदिर बन गया, तो हम लोग मोदी को वोट देंगे। राम मंदिर से किसी का भाई भला नहीं होने वाला, सिर्फ पंडितों का भला है। दुकान बढ़ाई, इसलिए दुकान बढ़ाई, कमाने खाने का जुगाड़ बना दिया मोदी ने। जो जनता होगा ना वो राम पे भरोसा। राम मंदिर के अलावा राम मंदिर मोदी बनवाया, मान लीजिए ये लोग बताने के हिसाब से मंदिर सरकार ने बनाया, वो जनता का पैसा है। पता है जो इतनी एडी डाली, वो एडी का पैसा तो आ गया, काला धन का आ गया। काला धन अडानी अंबानी का घर में है, इसकी जेब में। तो आधा तो जनता से किए थे कि जो भी काला धन आएगा तो जनता में बटेगा। जनता में बांटा किसको दिया 15 लाख रुपए? किसको दिया? काला धन लाके 15 लाख रुपया दूंगा, किसको दिया बता दे को? बेफुक बना था। आपका पूरा एक ही विचार है कि एबीएम हटाओ देश बचाओ, एबीएम हटाओ देश बचाओ, रोटी कपड़ा मकान और 15 लाख रुपए सबको बोला वो दे। 15 लाख का मतलब आपका मोदी से बनता, मतलब मोदी से आपको 15 लाख लेके रहेंगी? लेके रहेंगे हाँ, मेरा 15 लाख का वोट वादा कर दिया था। है 1 करोड़ का एक वोट है, पता है प्रधानमंत्री का वोट, जिसको प्रधानमंत्री बनना है 1 करोड़ दे दे, ऐसे प्रधानमंत्री की सीट ले मिलते। गांव से कई कई गांव गांव से भटक भटक के आके मैं दिल्ली के प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मेरे को बना दे सीएम प्रधानमंत्री, मैं देखूँ कि देश कैसा। अच्छा मान लीजिए अगर आप दिल्ली के सीएम बन जाती तो क्या करना चाहेंगी? तब देश की सीएम बन, दिल्ली की सीएम बन जाओगी ना तो दिल्ली को चमन बना दूंगी, चांदी सोने की चिड़िया जैसा। जो कह रहा ना कि दिल्ली को सोने की चिड़िया बना दे, ऊपर हिंदुस्तान का सोना तो बेच के मोदी खा गया और मंदिरों में। तब आप कहाँ से लाएंगे दिल्ली को बनाने के लिए? जब सारा मोदी खा गए तो आप कहाँ से लाएंगे? अडानी अंबानी से घर से लाएंगे, इसके पास है हिंदुस्तान का सोना, हिंदुस्तान का सोना अडानी अंबानी के पास है वर्ल्ड का, ठीक है ना। सोनिया गांधी थी जिस टाइम पे कांग्रेस, उस टाइम पे 2500 रुपये सोना था, आज सोना कौन लेगा, कौन खरीदेगा? कहाँ गया सोना? कहाँ गया जो कांग्रेस रख के गया था सोना? किसके भाग में? हम क्या गया सोना की चीजें बना देंगे, किसने बनाई भाई सोने की चीजा? तो कांग्रेस के टाइम पे थी सोने की चीजा, तो सोने की चीजा तो कांग्रेस के टाइम पे थी। पता है कांग्रेस के टाइम पे 10 रुपये किलो सामान मिलता था। अब क्या है हमारा देश? अच्छा ये बताइए अब आपके नजर में हमारा देश क्या चीज है? आज मेरा देश कबाड़ा है, कबाड़ा एकदम कबाड़ा, भूखे कबाड़ा है और लोग भूखे मर रहे हैं, सारे भूखे मर रहे। 5 किलो राशन देके भाषण कर रहा मैं दुनिया को, जनता को 5 किलो राशन दे रहा 30 करोड़। 5 किलो राशन पे लोग क्यों बिक रहे हैं? कुछ उनको फायदा होगा तभी तो। कोई फायदा नहीं, भूखे मरते क्या करेगा भाई? राशन है तो दे लेंगे, जिसका राशन बना होगा तो लेंगे। राशन कैंसिल कर दे बोलते हैं, राशन कैंसिल कर दे तो राशन कौन नहीं मांगेगा? मोदी का आपका जो भी सुविधाएं मोदी दे रहे हैं आप नहीं लेना चाहती हैं? हाँ मोदी क्या सरकारी राशन मेरा बना जवाहरलाल के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे, तो हम तो लेंगे। कहीं मोदी ने राशन नहीं बनाया बीपीएल का? तो मोदी राशन कर दे, छुपा राशन देके भाषण कर रहा। मान लीजिए मोदी बैलेट पेपर चुनाव ना कराए, एबीएम से फिर भी कराए, तो क्या कहना चाहिए, क्या करेंगे आप? हम वोट ही देने नहीं जाएंगे, वोट नहीं देने जाएंगे, वोट ही नहीं देने जाएंगे। हम तो हमारी पर्ची का सबूत मांगेंगे, सबूत कि हमने किसको वोट दिया। हमको पर्ची दो, हमको पर्ची चाहिए, पर्ची। ऐसे वीडियो वाले फीडियो वाले दुनिया हमने बहुत देखा, प्रधानमंत्री ऐसे हवाली मवाली प्रधानमंत्री बहुत देखा हमने। और दूसरी एक बात, जो जवाहरलाल के खानदान ने जो राज करा ना और जो दुनिया को सब जो पाला ना, ऐसे कोई नहीं पाल सकता, ठीक है ना। कोई 2500 रुपये सोना कम नहीं है, कितना सस्ता सोना है, सोना सस्ता क्यों छोड़े, क्यों छोड़े? सोना से सोना, मेरा सोना गया कहाँ? मेरा माल कहाँ गया? मेरी जो कह रहे हैं कि हमने ठेके पे दे दिया, कि ठेके के देने के लिए तेरे को प्रधानमंत्री बना था हमने, देश चलाने के लिए किसी मर्जी को ठेका दे, अडानी अंबानी को ठेका दे, डॉक्टर दे, पैसे दे, लॉकर दे, हमारे देश ठेके से नहीं चाहिए, सरकार से उद्देश्य चाहिए, सरकार से उद्देश्य चाहिए देश। ठेकेदार तो मैं भी किसी दुनिया का ठेका ले लूँ और मैं मद्दू ला के घुसे दूँ, जो सरकारी नौकरी होती उसको 50,000 होता, ठेके से तो मैं 10,000 दूँ, 20,000, तो मेरी मर्जी, मेरी मर्जी ठेकेदार। तो फिर तो जाते जाते क्या संदेश देना चाहती मोदी जी को कि ये भी हटा दो नहीं तो वोट देने नहीं जाएंगे? हम तो पूरी दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली ने प्रधानमंत्री बनाया, गुजरात वाले को प्रधानमंत्री बनाने वाला दिल्ली, ठीक है। हम लोकल ने बनाया प्रधानमंत्री, मेरा लोकल का एक काम बना दे, बता दे एक काम, बता दे लोकल का, लोकल का एक काम करा दे। खाली 5 किलो राशन देके भाषण कर रहा है, लोग बोल रहे हैं मंदिर बन गया, तमाम तमाम गांव में जल नल योजना हो गई,
कौन सी योजना? हर गांव में जल योजना। जल योजना तो सरकार के टाइम पे थी, जवाहरलाल के टाइम की थी, इंदिरा गांधी। गांव गांव में नहीं पहुंचे थी। कौन क्या वो सीएम नहीं पहुंचा तो क्या करे? सीएम नोट खा जाए तो क्या करे? जनता का पैसा तो सीएम। अब तो पहुँच रही है। हाँ, अब तू 100 गांव का तू 5 घर को पहुँचा तो क्या बड़ी बहुत बड़ी कहानी बन गई? बहुत बड़ी कहानी बन गई। 100 गांव है तो 100 गांव में बना। अभी दिल्ली वाले को बीपीएल का ओ क्या बीपीएल का राशन नहीं बनाया, पेंशन नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। आज उनको सरकारी योजना भी नहीं मिली, और जो सिलेंडर क्या था वो नहीं मिला। तो अब जो चुनाव आ रहा है किसको वोट देंगे आप? हाँ, जो चुनाव आ रहा है किसको वोट देंगे आप? बोलो किसको देंगे आप, बताइए। एबीएम वाले बोलो जन ये। मेरा तो विचार है कि जो आपके आपको नजर में लगे कि जो अच्छाई कर देगा इसको हम वोट देंगे। हम सारी दिल्ली वाले, ये पूरा दिल्ली कांग्रेस की है, कांग्रेस की है, हिंदुस्तान कांग्रेस का है। ये तो खाली बिचौलिया है, मोदी और केजरीवाल बिचौलिया। अरे ये भी तो लोग हिंदुस्तान के ही हैं, मोदी हुए चाहे केजरीवाल, सब लोग तो दिल्ली हिंदुस्तान के हैं। ये तो अमीरों का राजा है, गरीबों का राजा है। गरीब के पीछे तो एडी डाल रखी, कभी पुलिस भेजी है गरीबों के साथ, क्या क्या नहीं करा। अच्छा, केजरीवाल से खुश है कि नहीं आप? हाँ, केजरीवाल से खुश है कि नहीं? क्या केजरीवाल से खुश है कि नहीं? केजरीवाल बेचारा पानी दे रहा, लाइट दे रहा, फिर बस का किराया औरतों को दिया, और क्या दे, दवा दारू दे रहा, बाहर के बंदे को गदर ला के गंद ला के हॉस्पिटल को दवा दे रहा। मोदी वहाँ अच्छा काम करता होगा, उसके सीएम पीएम जो उसके राज्यों में, तो यहाँ दिल्ली में दवा कराने आता कोई आता? क्यों बड़ी बड़ी जी जी सही 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 क्यों बड़ी बड़ी बातों गधे की बातों करता है? बड़ी बड़ी बातें गधे की बातों। ये हरिनगर का घंटा घर एक बात सुन, दूसरी एक बात, जो जितने दिल्ली में जो दवा दारू करा ना बेचारा केजरीवाल का, जो बच्चे पढ़ा रहे केजरीवाल, सब केजरीवाल सकूल, इसकी सकूल होती है सीएम पीएम की, तो बाहर वाले यहाँ आता, जो उसको वहाँ तनख्वाह होता सरकारी, अच्छा तनख्वाह होता मजदूर का, तो दिल्ली में आता। क्यों दिल्ली में तूने गदर घुसाई? बस नहीं, कुछ नहीं, रोड कोई सफाई नहीं, कोई गटर नहीं, सफाई कोई नहीं, तो हम किसको कहेंगे? आगे बात करते रहेंगे आपसे, कल भी आपसे बात करेंगे। मेरे बात करने के लिए ताकत चाहिए, सच का इंसाफ चाहिए, मेरे को सच्चाई चाहिए, सच्चाई, मैं सच्चाई की देवी हूँ, इंसाफ की सच्चाई की रहना ही चाहिए, हर किसी नागरिक को सोच आपकी जैसी रखनी चाहिए। मैं ना किसी की रिश्वत नहीं कहेंगे। देख सकते हैं इनका इनका एक अलग ही रूप था, अलग रूप भाषण इनका था, और अच्छा लगा था। आप लोग शेयर कर दीजिएगा तमाम यहाँ पर लोग, सबसे जो नौजवान इनसे पूछेंगे कि क्या विचार आप लोगों का, क्या नो कमेंट्स भैया? क्या अच्छी बताइए, जो चुनाव आ रहा है इसमें तमाम जगह धरना चल रही है, एवीएम हटाओ देश बचाओ, एवीएम सही है बैलेट पेपर? मैं तो हिंदी कुछ मालूम नहीं है, हिंदी तो बोल तो रहे हैं, बोलने के आता है कुछ। अच्छा ये बताइए, एवीएम छोड़ देंगे या अंगूठा छाप से बैलेट पेपर से? अंगूठे छाप से एवीएम सही नहीं है? नहीं, एवीएम लोग बता रहे हैक होता है। हम कुछ बोलना नहीं आते है, कुछ और लोग को पूछ। हैंग नहीं होता है, वो एक कहावत है, हैंग नहीं होता है, हैंग तो नहीं होता है, अगर डुप्लीकेट किया जाए तो हो सकता है, अगर हैक किया जाए तो हो सकता है, पर वैसे हैक नहीं होता है। ऐसे तो नहीं होगा, अगर ठीक है तो सही चलेगा। तो दोस्तों यही कहेंगे, आप लोग दबाक वीडियो शेयर कीजिए, और कमेंट जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जय हिंद जय भारत। बस।